अमरावती शहर के वलगांव रोड स्थित मौजा तारखेड़ा सर्वे नंबर 24 में ट्रक टर्मिनल से सभागृह व व्यापारी संकुल का 29 अगस्त की दोपहर राज्य मंत्री योगेश सागर के हाथों लोकार्पण किया गया। प्रमुख रूप से पालक मंत्री अनिल बोंडे, सांसद नवनीत राणा, महापौर संजय नरोने, उप महापौर संध्या टिकले, बाड़ा साहेब भुयार, स्थायी समिति सभापति सुनील काड़े, सत्ता पक्ष नेता विपक्ष के नेता बबलू शेखावत, प्रशांत वांगखेड़े, गट नेता चेतन पवार, MIM गट नेता अब्दुल नाजिम अब्दुल रऊफ, दिनेश बूप, सोनाली सचिन नाइक, सभापति ऋषि सुरेश खत्री, गंगाबाई रमेश अंभारे, अब्दुल वसीम आदि उपस्थित थे। इस समय राज्य मंत्री सागर ने कहा, ट्रक टर्मिनस का काम अभिनव व अत्यंत सुंदर है। इससे शहर के विकास को गति मिलेगी और ट्रक चालकों को सुविधा होगी। इस बात का संज्ञान लेना जरूरी है। अन्य किसी भी स्थान पर यह ट्रक टर्मिनस नहीं है, इसलिए मुंबई महानगर पालिका और अन्य स्थानों के अधिकारी यहां मुआयने के लिए आएंगे, जिससे टर्मिनस के निर्माण में निश्चित ही मदद होगी। यह एक सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर पालक मंत्री बोंडे ने अपने विचार रखते हुए कहा कि ट्रक टर्मिनस से शहर विकास को गति मिलेगी, लेकिन विकास के साथ ही सफाई की ओर ध्यान देना जरूरी है। खाली त्यांचा आपण सत्कार केला, त्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे हे अतिशय सुंदर ट्रक टर्मिनस निर्माण झालं। कारण प्रत्येक गोष्ट शासन किंवा महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था करू शकत नाही आणि त्यांनी केली तरी ती टिकत नाही। जेव्हा ज्यादा वेळेला लोक समोर येतात आणि आपल्या विकासासाठी आपल्या संकल्पना देतात आणि त्या संकल्पनेवर स्वतःचं इन्व्हेस्टमेंट करतात, शासनाची जागा असली तर त्या ठिकाणी असे सुंदर प्रकल्प निर्माण होतात। आणि अमरावतीमध्ये निश्चितच अमरावतीच्या प्रगतीमध्ये, अमरावतीच्या विकासामध्ये हे ट्रक टर्मिनस आणि व्यापारी संकुल एक निश्चितपणे चांगल्या तऱ्हेने नोंदवले जाते, जिससे स्वास्थ्य सेवा का स्तर सुधरेगा। महानगर पालिका को सफाई के विषय को गंभीरता से लेकर कार्य करना होगा, तभी प्रत्येक जोन में सुविधाएं होगी। सुंदर बनाने का काम किया है नई तरीके से। यहाँ पर जब आप क्रॉस करते हो तो पहले कचरा दिखता था, जैसे हमने टीवी पे देखा कि कचरा पड़ा था, अतिक्रमण था, कई चीजों को वहां पर हटाकर ये चार व्यक्तियों ने और महानगर पालिका ने और कमिश्नर साहब ने, मुझे लगता है निपाने साहब से पहले जो कमिश्नर थे उन्होंने ये शुरुआत की, पर बीच में कहीं ना कहीं रुक गया था। तो मैं निपाने साहब का अभिनंदन करूंगी और कंग्रेचुलेशन करूंगी कि इसे स्पीड गति से शुरू करना और अपने कार्यकाल में पूरा कर लोगों को सुविधाएं जल्द से जल्द शुरुआत कर। टेक्सटाइल पार्क के लिए 400 हेक्टेयर जगह मिलने से शहर में नए उद्योगों को चालना मिलेगी। अमरावती शहरातलं या ट्रक टर्मिनसमध्ये एक इंच जागा शिल्लक राहिलेली नाही। सगळे लोकांनी आपले ट्रक तिथे हे केले, सगळ्यांनी दुकानं होती, आता ट्रक एकीकडे दुकान चौथीकडे असं होत नव्हतं, म्हणून ते दुकाने हळूहळू तिथे शिफ्ट झाले आणि अमरावतीमधल्या सगळ्या ट्रक रिपेअर मोटर रिपेअरची दुकानं त्या ट्रक टर्मिनसमध्ये आली। आता हे ट्रक टर्मिनस जे आहे ते फुल झाल्यामुळे पुन्हा दुसऱ्या ट्रक टर्मिनसची आवश्यकता पडली। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमरावती शहरामधून इतक्या मोठ्या प्रमाणात ट्रक चोरी जायला लागले की लोकांना त्याबाबत भीती वाटायला लागली की आणि अमरावती शहरात ट्रक तोडण्याचा सगळ्यात मोठा व्यवसाय पण आहे, म्हणजे ऑफिशियल की जिथे ट्रक विकत घेतात ऑप्शनमध्ये आणि तोडतात। पण त्याच्या वेळेस काही काही लोक